हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। एप्पल ने अपना नया फोन फोन लॉन्च किया है जिसका नाम आईफोन SE 2020 है। आइए अब जानते हैं आईफोन SE 2020 एडिशन में क्या कुछ खास है और इसके फीचर्स प्राइसिंग की सारी डिटेल फिर मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। डिस्प्ले के बारे में जान लेते हैं। आईफोन SE का 2020 में 4.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले दी गई है। ये दरअसल LCD डिस्प्ले है जो आईफोन 11 में है। इस स्मार्टफोन में एप्पल A13 बायोनिक प्रोसेसर है। यह प्रोसेसर आईफोन 11 में भी दिया गया है। इस फोन का में एक रियर कैमरा है जो 12 मेगापिक्सल का है। इसमें फेस आईडी का सपोर्ट नहीं है तो उसके बजाय टच आईडी का दिया गया है। आईफोन SE 2020 के कैमरे के बारे में विस्तार से बात करें तो यह 12 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा है दिया गया है। इसका अपर्चर f1.8 है। कंपनी ने दावा किया है कि ये A13 बायोनिक चिपसेट के साथ मिलकर कई कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी को अनलॉक कर सकता है। नए आईफोन के पिछले हिस्से में 12 मेगापिक्सल का एकमात्र कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f1.8 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें f2.2 अपर्चर वाला 7 मेगापिक्सल का कैमरा भी है। A13 बायोनिक चिपसेट में मशीन लर्निंग का फोकस दिया गया है। इसके डेडिकेटेड 8-कोर न्यूरल इंजन है जो 1 सेकंड में 5 ट्रिलियन टास्क परफॉर्म करने में क्षमता रखता है। आईफोन SE यह वाटर और डस्ट प्रूफ है। खास बात यह है स्मार्टफोन वाटर प्रूफ है और इसे IP67 रेटिंग मिली है। कंपनी ने दावा किया है कि इसे आप 1 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक के रख सकते हैं। यह डस्ट रेजिस्टेंस भी है। इसे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट करते हैं। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने 3 वेरिएंट रेड, ब्लैक और व्हाइट में लॉन्च किया है। आईफोन SE 2020 की कीमत भारत में 42,500 रुपये ऐसे शुरू होती है। यह दाम 64 GB वेरिएंट का है। स्मार्टफोन के 128 GB और 256 GB का वेरिएंट भी है, लेकिन इनकी कीमत का खुलासा अभी तक भी नहीं किया गया है। और भारत में नए आईफोन SE 2020 की बिक्री कब शुरू होंगी इस बारे में भी जानकारी भी अभी तक भी नहीं मिल पाई है। आईफोन SE 2020 की बॉडी के बारे में बात करें तो इसमें एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम और ड्यूरेबल ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट और बैक में यह मटेरियल यूज़ किया गया है और कंपनी ने कहा है कि रियर पैनल पर दिया गया एप्पल का लोगो 7 लेयर के कलर प्रोसेस से बनाया गया है जिसे अच्छा डेप्थ और ओपेसिटी मिलती है। ऐसे ही नए नए मोबाइल की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नए नए मोबाइल की जानकारी मिल सकूँ। धन्यवाद।